नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में की भी जो है इसमें योगदान है, लेकिन राज्य सरकार को इस पर अमल करना सबसे बड़ी जो है आशा होती है कि सबसे कि वो किस तरह से जो है इसकी इस योजना को जो है पूरी तरह से अमल करे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग या जिन सरकार से लोग आशा नहीं करते हैं, वही जो है ज़्यादा आशा बनकर उभरते हैं। जिनसे ज़्यादा आशा होती है वो निराशा का रूप धारण करते हैं। तो झारखंड सरकार यानी झारखंड में JMM की यानी लोकल क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, तो मुझे बिल्कुल 110% आशा है कि वो अच्छा काम करेगी। और मैं तो ये भी कह दूँ कि कोरोना काल में भी जो है झारखंड सरकार समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव कर रही है, नए नए निर्णय ले रही है, ताकि यहाँ की जनता की भलाई हो, यहाँ के विद्यार्थियों की भलाई हो। तो ये इसी पल में एक जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन झारखंड सरकार की तरफ से लिया गया है, जो कि बताया गया है कि सामान्य वर्ग के सभी छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति मिलने जा रही है कक्षा 1 से 12वीं तक का। लेकिन वर्तमान में तत्काल रूप से जो है 1 से 8वीं तक मिलेगी, उसके बाद 9वीं से 12वीं के बच्चों की जो है प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है उनको भी राशि मुहैया कराई जाएगी। तो बहुत ही एक अच्छा पहल किया गया है ताकि विद्यार्थी इसका एक सही उपयोग कर सके, जैसे कि स्टडी किट ले सकते हैं, वो स्थानीय स्तर पर निजी ट्यूशन का जो है सहायता ले सकते हैं, या उनके अनुसार जो भी वो अपना करें सही उसका उपयोग करें, यही जो है सरकार की आशा होती है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में बता दूं कि झारखंड सरकार स्कूलों के सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्राओं यानी बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलेगी या दी जाएगी, 1ली से 4थी के बच्चों को 500, 5वीं से 6ठी के बच्चों को 1000, 7वीं 8वीं के बच्चों को मिलेगी 1500 की छात्रवृत्ति। यानी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या ये 1 साल की है या सीमित है, सभी मैं बताने वाला हूँ। तो मई से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान होगा। 9वीं और 12वीं के समान बच्चों को भी जो छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। शैक्षणिक सत्र देख लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ जवाब निकलने वाला है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 का 10 महीने के लिए जो है मिलेगी छात्रवृत्ति की राशि। तो यानी मात्र कहा जाए तो कुल मिलाकर 10 महीने यानी 1 साल की 1 सेशन की ये छात्रवृत्ति मिलने जा रही है। आगे क्या योजना है इसके बारे में कोई तरह का जानकारी नहीं दी गई झारखंड सरकार तरफ से या झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, लेकिन वर्तमान में तत्काल रूप से जो है ये प्रभावी और लागू किया गया है, जो कि 10 महीने का है। तो चलिए, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है और होना भी चाहिए, क्या पता आगे भी जो है इसमें बदलाव किया जा सकता है झारखंड सरकार की तरफ से। तो 1ली से 8वीं में पढ़ने वाले समान वर्ग के छात्र छात्रा देखिए देख सकते हैं कि 1ली में लगभग 14625 से पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, यानी कुल मिलाकर बतलाया गया है कि कुल इसको काउंट करोगे तो 1,28,292 छात्र छात्राएँ हैं सामान्य वर्ग के। दूसरी में 15,000 या 16,000 के आसपास, तीसरी में 14,500, चौथी में 16,711, पाँचवीं में 18,103, छठी में 15,329, सातवीं में 16,199 और आठवीं में 1680 ये बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि कुल मिलाकर यानी पहला समान वर्ग के 1ली से 8वीं के जो नामांकित छात्र छात्रा हैं वो 1,28,292 के आसपास, यानी सभी को जो है ये छात्रवृत्ति की राशि दी जा रही है या दी जाएगी डायरेक्ट DBT के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी उनके खातों में सीधा राशि को जो है हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी बच्चे जो है खुद इसका निकाल कर इसका सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का टाइम है, संभल कर रहें, अपने खास करके गार्जियन जो है बच्चों को ध्यान जरूर दे, विशेष ध्यान दे और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें, ताकि जो है इसको आगे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप तुरंत निकाल कर इसका इस्तेमाल करो, लेकिन कोरोना का समय में जो है बचना ज़रूरी है और सभी से यही आशा है। तो चलिए, झारखंड सरकार की क्या है योजना। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष 1ली से 8वीं में जो है नामांकित सामान्य वर्ग के 1,28,293 छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1ली से 4थी कक्षा के 6 छात्राओं को जो है 50 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने का 500 रुपये दिए जाएंगे। 5वीं और 6ठी के 6 छात्राओं को जो है 100 रुपया
100 की दर से 1,000 रुपया, और सातवीं व आठवीं की कक्षा के समान वर्ग के छात्र छात्राओं को 150 रुपये महीने की दर से 10 महीने का 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहली बार जो है पहली से आठवीं के अलावा 9वीं से 12वीं तक कक्षा के समान वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परिषद इसकी तैयारी जो है कर रही है, जल्द ही जो है ये राशि सभी बच्चों के खातों में भेज दी जाएगी, तो बच्चे जो है इस पर राशि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ क्रिटेरिया होगी कि बच्चे जो छात्रवृत्ति की राशि को जो है किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। माँ बाप का कर्तव्य फर्ज बनता है कि वो बच्चा जो है पैसे का या उस राशि का जो है सदुपयोग करे, ना कि दुरुपयोग करे, और जो है सही जगह पे वो खर्च करे, चाहे वो स्टडी मटेरियल लेना हो, कोई किताबें लेनी हो, ड्राइंग की लेनी हो, या और भी कोई तरह का बच्चे को डांसिंग क्लासेस करनी है, तो उसमें भी जो है बच्चे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो JEPC के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से स्कूली शिक्षा में विस्तार हुआ है और बच्चों के नामांकन में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इससे बच्चों के स्कूलों में ठहराव की दर में जो है सुधार नहीं हो पाया है। कई बच्चे स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने वाले ये बच्चे वैसे समूह से आते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषा, लैंगिक या अन्य कारणों के चलते सुविधाविहीन स्थिति में है। ऐसे बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप समान वर्ग के छात्र छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे स्कूलों में जो है बच्चों की ठहराव की दर में जो है सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे आप देखोगे कि बच्चे हैं जो निजी स्तर पर जो है आठवीं तक निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर 9वीं से जो है सरकारी स्कूलों की ओर कूच करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्योंकि माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो उतना बड़े राशि का भुगतान नहीं कर पाते, जिसकी मजबूरी में वो जो है दोबारा बच्चों को सरकारी स्कूल की ओर कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है काफ़ी सुधार हो रहा है, और माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि वो जो है बच्चों को प्रोत्साहित करें स्कूल जाने के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति जो है बहुत ही खराब है, उसमें नहीं है, लेकिन जब स्थिति सुधर जाएगी तभी जो इसकी शुरुआत करनी होगी। तो चलिए आगे बता दूं कि JEPC की ओर से कक्षा व छात्र छात्राओं की संख्या जिलों को भेजी गई है। जिला और स्कूल उस संख्या और नामांकित छात्र छात्राओं के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान निर्णय लेंगे। इसके लिए 15 मई तक सभी जिले के छात्र छात्राओं की सही संख्या विभाग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि जल्दी से छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सभी जिले के शिक्षा विभाग इस काम में जुट गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी काम जो है झारखंड सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य के लिए भी स्टूडेंट तो है ही, लेकिन और भी देखा जाए तो राज्य के लोगों के लिए भी जो अच्छी काम झारखंड सरकार तरफ से की जा रही है, बहुत अच्छा ये झारखंड सरकार काम कर रही है, सही दिशा और दशा को सुधारने की कोशिश कर रही है। आशा है कि वो लोगों की समस्याओं में खरा उतरे और लोगों का हर समस्या का जो है दूर करने की कोशिश करे। तो ये था वीडियो, आई होप इस वीडियो को से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और सुनकर अच्छा लगा होगा कि चलिए मैं भी जो है सामान्य जाति से बिलोंग करता हूँ, अब मेरे भी बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी जो है काफ़ी हद तक कुछ राशि मदद के रूप में मिलेगी, ताकि जो है बच्चे इसका सदुपयोग कर सके अपने अध्ययन में, पाठ किताबों में, पुस्तकों में या अन्य क्लासेस में। तो ये था आज का वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।